सो है गाइस, अभी हम लोग है दिल्ली से मनाली वाले रूट पे, और इस जगह का पता नहीं क्या नाम है, पर यहाँ पे चारों ही चारों कोहरा ही कोहरा है, तो पूरा अभी फॉगी फॉगी है। और अभी हम लोगों का सफ़र पूरा फॉगी होने वाला है, पता नहीं, पर बहुत ज़्यादा ठंड है अभी यहाँ पे, 8 डिग्री सेल्सियस है, लगी पड़ी है। तो मिलते हैं मनाली में। तो अभी मैं आ गया हूँ मनाली में, और ये बस थी जिससे मैं दिल्ली से मनाली में आया, पूरा लगेज उतारा, इतना सारा, काफ़ी ठंड हो रखी है पर मुझे नहीं लग रही है, पर अच्छा लग रहा है। आजू बाजू पूरा उधर स्नो है, ऊपर स्नो दिख रहा है, यहाँ पर कुछ स्नो नहीं, जबकि यहाँ पर ही पूरा स्नो रहता था। तो अभी देखते हैं और आगे क्या क्या होने वाला है। यहाँ से हम लोग टैक्सी लेके सीधा निकलने वाले होटल। तो आगे हमारी टैक्सी हम लोगों ने बुक कर ली है, ये हमारी टैक्सी जिसमें हमें अगले 4 से 5 दिन सफ़र करना है। तो ये है हमारा होटल, मेरी गाड़ी। तो अभी हमारा तो चेक इन टाइम है नहीं, 11 बजे होटल खाली नहीं, इसलिए अभी हम लोग को बाहर रहना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर टेरेस पे, जहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। फटाफट से चलते हैं, देखते हैं, मजा आएगा। तो आज का सुबह का नाश्ता आ चुका है, जिसमें हमारा आलू पराठा है और पनीर पराठा और पूड़ी, काफ़ी अच्छा है माहौल। और इधर प्ले ग्राउंड देख सकते हो कितना सही लग रहा है, अच्छे व्यू के साथ अच्छा खाना खाने मिल रहा है। डेडिकेट क्या नाम, प्रमोद भैया, इनकी तरफ से आज काफी अच्छा माहौल में अच्छा खाना पहाड़ी वादियों के बीच में, पूरी हरी भरी, स्नोफॉल हो जाए तो और वादियों के बीच में, और अगर से स्नोफॉल हो ही जाए तो खा सकते हैं और रह भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी बज रहे 2 और काफी टाइम हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ के साइट सीन देखने। रूम तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते उसका, अभी 4 दिन वैसे ही रहेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हिडंबा देवी टेम्पल, और भी मनाली के जो मार्केट है वो विजिट करेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो विजिट करेंगे। फटाफट से चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हिडंबा देवी की तरफ, हमें आगे जो है ड्रॉप कर दिया, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर हिडंबा देवी, और अभी तो यहाँ पे कुछ स्नो नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे स्नो होती थी तो पूरा ये पूरा का पूरा रास्ता स्नो से भरा रहता था ऐसा, पर नज़ारा काफ़ी अच्छा है। हिडंबा देवी की ओर जाते टाइम आपको यहाँ पे लोकल मार्केट भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप गर्म कपड़े वगैरह भी शॉपिंग कर सकते हैं, काफ़ी सारी दुकानें भी मिल जाएगी यहाँ पे। अब पता तो नहीं यही रूट जाता है कि नहीं जाता, पर आपको याक भी मिल जाएगी। याक का प्राइस जो है 50 रुपये पर पर्सन सिर्फ फ़ोटो खींचने का, और 200 रुपये इसके राइट का है, हाथ लगाने का 250 रुपये। तो ये रहा हिडंबा देवी टेम्पल, हम लोग पहुँच गए, और कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे अभी मम्मी लोग हिमाचली ड्रेस ट्राई कर रहे हैं, जिसमें 50 रुपये पर पर्सन का है, और देख सकते हैं हिडंबा देवी के पास ही आओगे तो यहाँ पे आपको हिमाचली ड्रेस ट्राई करने को मिलेगा, पर यहाँ पे स्नो रही थी तो भाई व्यू क्या क्या ही बात है। तो अभी मम्मी हो रही थी यार, तो अभी दोनों मम्मी हो गई तैयार, अब टाइम है इनका फोटो शूट करने का, जो कि मेरे को ही करना पड़ेगा। चलो कहाँ पे आ गई फोटो शूट, कहाँ पे लेते? तो अभी मम्मी और दीदी लोगों का तो हो गया है फोटो शूट करके, और बस मेरी नहीं हुई है। मैं कैसा लगा यहाँ पर आके? बढ़िया, मस्त, बहुत मजा आया, बहुत ही फोटो शूट करके तो और भी ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वशिष्ठ टेम्पल, जो कि यहाँ पे हमें 3:30 यहीं बज गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो ऐसा कुछ देखें, यहाँ से आपको लाइन लगाना पड़ेगा और आगे जाके दर्शन करना पड़ता है। हम लोगों ने दर्शन कर लिए, अंदर जाके फोटो वीडियो शूट अलाउ नहीं है। ये है वशिष्ठ टेम्पल की पार्किंग एरिया। क्या चार्जेस रहते हैं यहाँ पे? स्टार्ट होता है 100 रुपीज, छोटी गाड़ी का कम नहीं, थोड़ा बड़ी का 100 रुपये, बड़ी गाड़ी का 100 रुपये, छोटी गाड़ी का छोटा पैसा लगता है। तो हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे अपनी पार्किंग, जिसका 400 रुपये देना पड़ा। अब हम लोग जा रहे हैं वशिष्ठ टेम्पल की ओर, जो कि यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा मार्केट है, और यहाँ पे बहुत सारे होटल भी है। आओ जाके आओ, इधर से चले जाओ, इधर से जाओ मार्केट है। तेरे कुछ चाहिए क्या लेके? तू बोलना है ना दूसरे। अरे बोके बोल, जो बोली वो लेके दूंगा, इसको ही भरोसा है कि मैं नहीं लेके दूंगा, इसलिए कुछ नहीं बोल रही है। तो मैं आ गया हूँ वशिष्ठ टेम्पल में, अब जो पीछे देख रहे हैं ये है वशिष्ठ टेम्पल, और अभी हम लोग जाते हैं इसके अंदर।
यहाँ पे जूते यहाँ पर एक गर्म पानी का, यहाँ पर आपको गर्म पानी का कुंड मिल जाएगा, ये है गर्म पानी का जो कि ऐसा है। तो यहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हो जो कि एनी टाइम गर्म पानी निकलता रहता है इस कुंड से। और यहाँ पे लेडीज़ वगैरह का बाजू में है और अंदर आपको वशिष्ठ जी की मूर्ति दिख जाएगी इसके अंदर, पर अंदर की फ़ोटो नहीं निकाल सकता। तो अभी हमारा हो गया है वशिष्ठ टेम्पल के, अच्छा लगा। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मनाली की ओर, अब देखते हैं। चलो चलो चलो, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वन वी आर के अंदर, जिसका टिकट पता नहीं कितना होता है। अच्छा, एडल्ट और चिल्ड्रन 50 रुपये टिकट है इसका। आने वालों का जो हमें रिस्पांस मिला वो बोले कि अंदर कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ लगे और गार्डन जैसे है। तो हम लोग ने इसे स्किप करने का प्लान किया। अब हम लोग जा रहे हैं सीधे सीधे मनाली मार्केट, यहाँ का मार्केट देखेंगे लोकल और जो शॉपिंग करना है वो करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो कि मॉल रोड के पास होता है, और इसका टाइम है बंद होने का 6 बजे। तो 6 बजे पहले हमको जाके विजिट करके देख के आ जाना है। तो ये है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, देखने में तो काफ़ी अलग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, गोल्डन गोल्डन और काफ़ी बड़ा भी है। फैमिली के साथ आया था एंजॉय करने, पर ये इन लोगों के कारण ना मौत आ रही मेरे को, मौत इन लोगों के कारण घूमने पे। इतना फोटो है, इतना फोटो, पूरा दिन बर्बाद। आज का हमारा प्लान था कि हम लोग 5 साइट देखेंगे, ठीक है, जिसमें से हमारे सिर्फ 3 हुए भाई, सिर्फ इन लोगों के कारण, ठीक है, सिर्फ इन लोगों के कारण। और इनका आधे से ज़्यादा वो क्या बोलते हैं इसको, ब्लश लगाने में टाइम निकल जाता है, ब्लशिंग करने में। हाँ तो सुन नहीं रही है पर लोग सुन रहे हैं। पिछले 5 मिनट से अपने सूज की लेस बांध रही है लड़की, मैं बोला ना भाई मौत आ जाए पर इनके साथ ट्रिप का प्लान ना करूँ अब जिंदगी में, मैं सच्ची बात बताऊँ। ये एक, ये तो नमूना है, ये सिर्फ नमूना है, उसके बाद आती है ये। इनको बाद बात में पता नहीं वॉशरूम में जाना पड़ता है। अरे रोती हूँ मैं, वॉशरूम नहीं जाती यार, ठीक। हाँ रोने के लिए, क्योंकि हमारे सामने रो नहीं सकती, इनको ठंडी लगी तो रोना आता है। अच्छा इधर है, हाँ देखो। चलो कोई नहीं, फिर भी अब एडजस्ट करना पड़ेगा, सिर्फ 15-20 दिन के लिए और कुछ नहीं, उसके बाद ऐसी कभी प्रॉब्लम आप लोगों को भी ब्लॉग में नहीं देखने मिलेगी, ठीक है। और ये 200 रुपये में पलट गए लोग। चलो तो क्या का मार्केट लगा, सस्ता है भाई, बोलते हैं सिर्फ सस्ता है यहाँ पर। भाई दिल्ली में जो 200 रुपये मिलता है वो यहाँ पर 1200 रुपये मिलता है, समझ लो सस्ता है या महंगा है, समझ जाओ तुम ही। दिन भर से भूख लगी है, घूमने के बाद अब भूख लगी है, जिसके बाद हम लोग खाएंगे मोमोज। आंटी एक प्लेट मोमोज दे दो, बोला था ना आ जाएंगे घर पे। तो ये है मनाली का मॉल रोड जो कि सबसे बड़ा। यहाँ पे आपको गली में बहुत सारे दुकानें मिल जाएगी, इधर साइड भी गली है, आप यहाँ पे जो चाहे जितना ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हो, पर हाँ थोड़ा सा महंगा है भाई ये। मनाली में हम लोगों ने शॉपिंग तो कुछ नहीं किया, पर देख रहे कुछ अच्छा मिल जाए। मम्मी लोगों ने किया, मेरी लाइफ में तो कुछ मिलता ही नहीं, समझ में आ रहा क्या लूँ क्या। आज हमारा मॉल रोड और मनाली का फर्स्ट डे कंप्लीट हुआ, और ऐसा कुछ था आज का डे जिसमें हमको तो मज़ा आया। और ये हमारी फिर से कार आ गई हमको पिकअप करने, जो हमें हमारे रूम तक छोड़ेगी। चलो दीदी आ जाओ अंदर। तो ठीक है, इसी फर्स्ट डे को आज एंड करते। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।